अभी अपने काबू में नहीं रहते, आसमा अबरू के काबू में नहीं रहते, जमीन और आसमा भी अपने काबू में नहीं रहते, आसमा भी अपने काबू में नहीं रहते, आसमा भी अपने काबू में नहीं रहते, जमीन और आसमा भी अपने काबू में नहीं रहते, आसमा भी अपने काबू में नहीं रहते, जमीन और आसमा भी अपने काबू में नहीं रहते। तलब पर सब मोहम्मद का कलंदर रक्ष करता है। सदाएं आती है हर वक्त मेरे सीने से, क्या वहां की मौत है बेहतर यहाँ के जीने से, वहां की मौत है बेहतर यहाँ के जीने से, वहां की मौत है बेहतर यहाँ के जीने से,
साथियों की राह पेश कर रहा हूं। इंशाल्लाह जब ये गिरा खोलूंगा तो रूह ताजा हो जाएगी, आशिक रसूल मचल जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सामने बीच में ना खड़े रहे। हजरत जो सामने तशरीफ फरमा है सदर मोहतरम बाबा साहब, सभी से तवज्जो चाहूंगा। आशिक रसूल तवज्जो दे, एक जगह रहता था तस्वीर बनाने वाला, नाम ही पूछ के तस्वीर बना देता था। देखकर फनी अनोखा वो निराला उसका, पास मैंने भी ये जाकर के मुसव्विर से कहा, एक तस्वीर मोहम्मद की बनाकर दे दे, या बनी रखी हो तो मुझको वो लाकर दे दे। सुन के वो बात मेरी खूब ही सोचा समझा, खुश हुआ सुन के और मुझसे ये मुसव्विर बोला। क्या बोला? एक एक मिसरा बता मुझे चाहूंगा। लाके तस्वीर मोहम्मद अभी दिखलाता हूँ, लाके तस्वीर मोहम्मद अभी दिखलाता हूँ, और जो बात है वो बात भी समझ आता हूँ, और वो बात है वो बात भी समझाता हूँ। लाके कुरान मेरे सामने उसने खोला, लाके कुरान मेरे सामने उसने खोला, पढ़ने क्या लिखा है इसमें ये मुसव्विर बोला, ¡Gracias!
رسول سناؤں گا انشاءاللہ جو کچھ مجھے یاد ہے. مرحبا کملی والے کی کیا شان ہے, آخری گدا سن لیں. جب میرے آقا ہمارے آقا شکر بنائے رکھے اپنے ذہن کو ادھر رکھے, ہمارے آقا معراج کی شب عرش مولا پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے ملنے کی خوشی میں, بیٹا سائد میں ہو جا, اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں فرشتوں کو حکم دے رہا ہے. کملی والے کی شان دیکھیے کہ اپنے محبوب سے ملنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے. کیا کہ فرشتوں بند کرو تو سکتی بھٹی